पढ़ा लिखा हमीरपुर अब सफाई के प्रति भी जागरूक होने लगा है। स्वच्छता ऐप का इस्तेमाल कर शहर वासियों ने गंदगी की शिकायतें करना शुरू कर दी हैं। शहर की दो विभिन्न जगहों पर पसरी गंदगी की शिकायत लोगों ने स्वच्छता ऐप के माध्यम से नगर परिषद से की है। नगर परिषद ने भी ऐप पर गंदगी की फोटो मिलने व इनकी शिकायत आने पर इसका तुरंत निपटारा कर दिया। ईओ विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि इसमें पहली शिकायत वार्ड नंबर 8 से आई, जहां रास्ते पर गंदगी के ढेर लगे हुए थे। वहीं दूसरी शिकायत बस स्टैंड के समीप की थी। यहां बाल स्कूल मैदान के पास रखे गए कंटेनर के बाहर गंदगी के ढेर थी। उन्होंने बताया कि इन दोनों शिकायतों का तुरंत प्रभाव से निपटारा कर दिया गया है व शिकायतकर्ताओं को इसके बारे में सूचित भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस ऐप का लोगों को काफी लाभ मिल रहा है और लोगों को अपने कूड़े की समस्या की शिकायत करने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऐप के माध्यम से ही लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ईओ विनोद कुमार ने बताया कि केंद्र के स्वच्छ भारत अभियान को जोर देते हुए ये ऐप लॉन्च की गई है। गौरतलब है कि शहर में कई बार ऐसा होता है कि किसी स्थान पर कई दिनों से गंदगी पड़ी रहती है, जिसकी कई बार शिकायत करने के उपरांत भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इससे लोगों में नगर परिषद के प्रति रोष पनपने लगा था, लेकिन अब सफाई संबंधी कोई भी शिकायत इस स्वच्छता ऐप के माध्यम से की जा सकती है। ऐप के जरिए अपने क्षेत्र की सफाई संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसका तुरंत प्रभाव से नगर परिषद समाधान करेगी। बता दें कि नगर परिषद सीमा के भीतर सफाई की समस्या को स्वच्छता ऐप के माध्यम से उत्तक वाले स्थान पर फोटो डालकर विभाग को शिकायत कर इसका समाधान पा सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के दिशा निर्देशानुसार और हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जो है एक स्वच्छता ऐप जो है वो डाउनलोड करने के लिए लोगों को जागृत किया जा रहा है। इसके लिए हमने बाजार में पंपलेट्स लीफलेट्स भी बंटवाए हैं और होर्डिंग भी लगवाए हैं। इससे क्या होगा कि लोगों को कहीं भी कूड़ा पड़ा हुआ है या कोई पशु मृत है या कोई शौचालय साफ नहीं है या कहीं सफाई नहीं हुई है या कोई डस्टबिन क्लियर नहीं हुआ तो उसको स्वच्छता ऐप पे डाउनलोड करके वो उसमें हमें कंप्लेंट कर सकते हैं और उसका निवारण जो है हम उसी के जैसे ही हमें पता चलेगा हम भी ऐप में देखेंगे तो उसको निवारण के लिए हम अपनी टीम में भेजेंगे और उसकी सफाई करवाएंगे मौके पर। इस ऐप का लोगों को फायदा उठाना चाहिए। इससे ये फायदा भी होगा कि लोगों को कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा। जैसे चलते चलते ही लोग अपने जो एंड्रॉयड फोन है उसे शिकायत कर सकेंगे और शिकायत का समाधान जो है नगर परिषद और समेत रहते जो है वो करेगी। एक नोडल ऑफिसर बनाया हुआ जो सैनिटेशन से रिलेटेड है बंदा, तो इसमें हमने यहाँ नगर परिषद में जो हमारे पर्यवेक्षक है कार्य पर्यवेक्षक कुलदीप कुमार उनको सफाई पर्यवेक्षक को नोडल ऑफिसर बनाया और डिप्टी नोडल ऑफिसर एक सफाई देखते हैं मिस्टर जिंदर कुमार उनको है वो भी देखेंगे। उनकी मोबाइल पे भी ऐप होगी और हमारे पास भी ये रहेगी। अगर कोई कंप्लेंट नहीं करता है 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के तो फिर हमारे पास आएगी तो मैं उसको भी साथ ही कर देते हैं। अदरवाइज हमारे पास अभी तक जो थी कल भी दो हमारे पास कंप्लेंट आई और परसों आई थी दो, तो उनको हमने साथ साथ ही उनका समाधान कर दिया और सफाई कर दी। और आज भी एक अभी तक जो थी एक शिकायत आई जो कि अभी अभी प्राप्त हुई है तो इसका समाधान भी करेंगे।